प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो है शुगर माफिया। और शुगर माफिया ये अपनी कोशिश के बावजूद कीमतें नीचे लाने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह इनकी हुकूमत के वज़रा की नाहली है, क्योंकि कुछ सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट के ऐसे असूल हैं जिनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ तो आप हैंडल कर सकते हैं, सिर्फ बड़क मार के सुल्तान राय की तरह वो चीज़ें हैंडल नहीं होती। लेकिन जहांगीर तरीन बहुत ही मुतनाज़ा तौर पर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने उनको प्रेजेंट किया, और ना सिर्फ उनको प्रेजेंट किया बल्कि जवाबी तौर पर जब उनके ऊपर FIRें काटी गईं तो एक बाकायदा PTI का ग्रुप उनकी हमायत में खड़ा हो गया, 40-45 लोगों का। तो हमारे सामने एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट बनाई है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और खौफनाक रिपोर्ट है, मेरी तो बिल्कुल अकल फहम से बाला रिपोर्ट है। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है, इसने KPMG एक ऑडिट फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, जिसके ऊपर ये इन्होंने रिपोर्ट फाइल की है। और रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है, तारिक इकबाल खान उस कमेटी के सरबराह थे। तारिक इकबाल खान बड़े ही वेल रिकग्नाइज आदमी हैं, और पिछले जब जितने अरसे से हम इस प्रोफेशन के अंदर हैं, इनको मुख्तलिफ हैसियतों से, कभी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कभी FPR के अंदर, इनको बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशंस के ऊपर काम करते हुए मैंने पाया, तो इसलिए मैं इनको ज़िम्मेदार आदमी मानता हूँ। बल्कि एक ऐसा मौका था कि आज से 20-25 साल पहले ये वो कॉमन टैक्स आइडेंटिफायर, ये जो आजकल हम कहते हैं ना CNIC के ऊपर सारा टैक्स कटना चाहिए, ये वो शख्स थे जो कहते थे उस ज़माने में FBR वालों ने इनकी एक नहीं सुनी, उस वक्त की हुकूमतों ने भी इनकी एक नहीं सुनी, इनको FBR से फारग कर दिया। ये कहते थे कि एक नंबर के ऊपर सबका टैक्स कटो, ट्रैक करो ताकि टैक्स चोरी का रास्ता रुके। हमने आज तक भी विंडो खुली रखी हुई है कि टैक्स चोरी होती रहे। ये उस कमेटी को हेड कर रहे थे।